को करीब 6:30 बजे होगी। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी देश के मौजूदा हालात को लेकर राष्ट्रपति से चर्चा करेंगी। वहीं कल कांग्रेस नेता राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे, यानी कि पूरा का पूरा मामला अब रायसेना हिल ले जाने की तैयारी में है सोनिया गांधी। इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कई बार अब इस बात को कह चुके हैं कि सांप्रदायिक जिस तरह से माहौल देश का हो रहा है, इस वक्त टॉलरेंस की जरूरत है, सहिष्णुता की जरूरत है। माहौल इतना खराब है कि हदें तोड़ दी हैं, हदों से आगे हालात खराब हो गए हैं। और आज कांग्रेस के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय एहतजाज करने के, राष्ट्रपति के पास जाने के। और इसीलिए सोनिया जी और राहुल जी अगर वहां जा रहे हैं तो इसी एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं, ताकि राष्ट्रपति एक बार फिर निर्देश दे सरकार को कि हालात को ठीक करें। और मिलने लीजिए, उसमें गए कोई, उनको तो मूलभूत अधिकार है, प्रेसिडेंट टाइम देंगे तो निश्चित मिल सकते हैं। परंतु ये इंटॉलरेंस क्या है, ये किसकी इंटॉलरेंस है, तो उसकी परिभाषा होनी चाहिए। कौन सी परिभाषा है? मैं समझता हूं कि इसके इस हमें ध्यान देना नहीं चाहिए, उनको जाने दीजिए। चलिए इंतजार कीजिए, हो सकता है अरुण जेटली का एक और ब्लॉग आए जिसमें वो कहें कि ये मैन्युफैक्चर्ड शिकायत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।